हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड लॉजिक्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल मैगी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और टेस्ट में तो एकदम मजेदार है। ये देखिए कितनी मजेदार और कलरफुल लग रही है ये मैगी। चलिए फटाफट से मिलकर बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स स्टार्ट कुकिंग। मसाला मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल के साथ ही हम ऐड कर देंगे बटर। ध्यान रखिएगा, बटर आपको ऑयल के बाद ही ऐड करना है, नहीं तो हमारा बटर जल जाएगा। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, और जीरे के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन जरूर ऐड करिएगा, इससे मैगी का स्वाद बिल्कुल डबल हो जाता है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे जस्ट ट्रांसपेरेंट होने तक। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे चॉप्ड अनियंस, और इनको हम ट्रांसपेरेंट होने तक हल्का सा सौते कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें इन्हें भूनना नहीं है। साथ ही हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर प्याज को भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मटर। आप फ्रोजन या फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरे मटर। 1.5 मिनट सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और साथ में ही हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आप इन सबको हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी, और पानी डालकर हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 या 3 मिनट लग जाएंगे ताकि हमारे मटर बहुत अच्छी तरह से गल जाए। 2-3 मिनट पकने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। मैगी मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमें बाद में ही ऐड करनी है ताकि इसका बिल्कुल क्रंची फ्लेवर हमें मिल सके। आप शिमला मिर्च किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। एक मटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए मटर हमारा पूरी तरह से गल गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 1.5 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको एक बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में एक बॉईल आ जाएगा, फर्स्ट बॉईल आते ही हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी नूडल्स। मैंने इसमें तकरीबन 4 केक मैगी के ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मैगी डाल सकते हैं। अगर आपको कम मैगी डालनी है तो आपको पानी भी कम ही डालना है। बस अब इसके ऊपर हम एक मैगी मसाला और ऐड कर देंगे। मैगी मसाला ऐड करने के बाद हम मैगी को पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा ड्राई मैगी तैयार करती हूँ, इसलिए मैं इसमें कम पानी डाला है। अगर आपको सूपी मैगी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम 1 या 2 मिनट के लिए पका लेंगे, और ये देखिए हमारी मैगी एकदम बनके रेडी है। इसमें हल्का सा पानी है तो इसको कुछ सेकंड के लिए हम खुला ही पका लेंगे ताकि इसका पानी ड्राई अप हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल ड्राई मैगी हमारी बनके रेडी हो गई है, और अब हम इसको करेंगे सर्व। है ना मजेदार रेसिपी, हेल्दी भी। आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को जरूर लाइक करिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भी ऐसी बहुत ही क्विक, इजी और मजेदार रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। फूड लॉजिक्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी रेसिपीज की इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स और रिटन रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। मैंने और भी बहुत सारी मैगी की रेसिपीज, वेज, नॉन वेज, मेन कोर्स रेसिपीज शेयर की हैं। आप जरूर कुछ रेसिपीज ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लगी। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर। Bye-bye!